ये अमेजिंग सा दिखने वाला एक इंसेक्ट एक्चुअली में कॉकरोच है और इसका नाम है डोमिनोस कॉकरोच। हाँ, वही कॉकरोच जो एक्चुअली में हमें काफी ज्यादा अगली लगते हैं और इसे देखते ही हम डर जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में कई लोग कॉकरोच फोबिया से भी सफर कर रहे हैं, जिसको केट्सारेटाफोबिया कहा जाता है। कई सर्वेज में यह भी पता चला है कि ह्यूमंस इस दुनिया में सबसे ज्यादा कॉकरोच से ही डरते हैं। पर आज हम कॉकरोच के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी चीजें जानेंगे जो कॉकरोचेस को अमेजिंग बनाता है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 1, कॉकरोचेस यूज स्पेशल टेक्निक्स टू ब्रीथ। कॉकरोचेस ब्रीथ करने के लिए नोस्ट्रिल्स या माउथ का यूज नहीं करते। इनकी ब्रीदिंग का प्रोसेस थोड़ा हटके है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको समझा जाए तो कॉकरोचेस अपनी बॉडी के होल्स से सांस लेते हैं और इन होल्स से ऑक्सीजन सीधा इनके सेल्स में चला जाता है और इस प्रोसेस को ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, क्रशिंग अ कॉकरोच इज वेरी डिफिकल्ट। कॉकरोचेस के ऊपर प्रोटेक्टिव ढांचे को एक्सोस्केलेटन कहा जाता है और कॉकरोचेस का ये डिजाइन इंसेक्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन एक्सोस्केलेटन्स माना जाता है। इसी वजह से कॉकरोचेस फ्लेक्सिबल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और यही रीजन है कि ये खुद को छोटे से छोटे होल्स और क्रैक्स से भी आराम से निकाल लेते हैं। साथ ही ये अपने ऊपर अपने वेट से 900 टाइम्स वेट झेल सकते हैं और ये बहुत ही रेयर है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 3, 1 week विदाउट हेड। कॉकरोचेस का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बिना सर के भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। यस, कॉकरोचेस काफी रेजिलिएंट क्रिएचर्स होते हैं एंड एज वी ऑल नो, कॉकरोचेस को सांस लेने के लिए उनके हेड या माउथ की जरूरत नहीं होती है। तो जब इनका सर किसी भी तरह से कट जाता है तो उनका नेक क्लॉटिंग के प्रोसेस से अपने आप सील ऑफ हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो भी रुक जाता है और कॉकरोचेस सरवाइव भी कर पाते हैं। पर अराउंड 1 हफ्ते के बाद वो डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 4, कॉकरोचेस क्लीन देमसेल्व्स आफ्टर ह्यूमन कॉन्टेक्ट। कॉकरोचेस से ह्यूमंस हमेशा से ही दूरी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉकरोचेस का रेपुटेशन ह्यूमंस में बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट की तरह ही रहा है, विच इज ट्रू। अगर हम गलती से भी कॉकरोचेस को टच कर लेते हैं तो हम नॉर्मली हैंड वॉश करते हैं, पर आपको जान के काफी हैरानी होगी कि कॉकरोचेस भी ऐसा ही कुछ करते हैं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कॉकरोचेस ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आते ही भाग के अपनी बॉडी को क्लीन करने लग जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, पर ह्यूमन कॉन्टेक्ट और इस बिहेवियर में लिंक तो जरूर है। अब हम ये तो जान गए हैं कि कॉकरोचेस कितने अमेजिंग क्रिएचर हैं, पर ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे प्लेनेट पे इनका रोल क्या है। इंपॉर्टेंस नंबर 1, कॉकरोचेस आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट। कॉकरोचेस फॉरेस्ट और बाकी जगहों पे डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि लीव्स, वुड और छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इन सारी चीजों में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ट्रैप्ड होता है जो कि प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, पर जब कॉकरोचेस इन ऑर्गेनिक मैटर्स को खा के पूप करते हैं तो वो ट्रैप्ड नाइट्रोजन को सॉइल में रिलीज कर देते हैं, जो कि पूप के फॉर्म में ट्रीज के लिए हेल्दी बन जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ और सॉइल को हेल्दी बने रहने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस नंबर 2, कॉकरोचेस आर सिटी क्लीनर्स। सिटीज के एक्सट्रीमली क्लीन होने के लिए उनमें बने ड्रेन्स और सीवेज सिस्टम का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंडरग्राउंड बह रहे इन सीवेज सिस्टम को फंक्शनल रखने में काफी हद तक कॉकरोचेस हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉकरोचेस ड्रेन्स और सीवर्स में प्रेजेंट डेड और रोटिंग इंसेक्ट्स और छोटे क्रीचर्स जैसे कि रेड्स और मोल्स को खा के इन्हें ज्यादा गंदा और ब्लॉक होने से भी बचाते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 3, कॉकरोचेस आर फूड फॉर सेवरल क्रीचर्स। कॉकरोचेस वाइड वैरायटीज ऑफ क्रीचर्स जैसे कि एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स सबके फूड का मेजर पार्ट होते हैं। कॉकरोचेस बहुत ही फास्ट ब्रीड करते हैं, जिससे कई सारे क्रीचर्स के लिए एक स्टेबल फूड सोर्स की तरह फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड कॉकेटेड वुडपेकर नाम के ये बर्ड एक इनडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं और कॉकरोचेस इनका मोर देन 50% डाइट है, जिसके बिना इन बर्ड्स का सर्वाइवल और भी ज्यादा डेंजर में आ सकता है। इंपॉर्टेंस नंबर 4, कॉकरोचेस आर इंस्पिरेशन फॉर इनोवेशंस। यस, कॉकरोचेस को साइंटिस्ट्स कई तरह के टेक्निकल इनोवेशन के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली कॉकरोचेस का छोटा और बहुत ही आइडियल बॉडी डिजाइन होता है और कॉकरोचेस का यही डिजाइन और फंक्शन कई तरह के इनोवेशंस को इंस्पायर करता है।
इनफेक्ट कई सारे रोबोट्स तो ऐसे भी हैं जो कि कॉकरोच से ही इंस्पिरेशन लेके बनाए गए हैं। आई एम श्योर कि हम में से कई सारे लोगों को कॉकरोचेस के इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में तो नहीं पता होगा। इनफेक्ट हम कॉकरोचेस को सिर्फ और सिर्फ डिसीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट ही समझते हैं, पर सरप्राइजिंगली कॉकरोचेस मॉस्किटोज और रेट्स जैसे इंटरनली डिसीज कैरी करने वाले क्रीचर्स नहीं होते, बल्कि उनसे डिसीज इसलिए फैलता है क्योंकि वो ऐसी सराउंडिंग्स में रहते हैं जहां कई वायरसेस और बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉकरोच देखें तो उन्हें मारे नहीं, बल्कि नेचुरल वेज का यूज करें उनको भगाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो कोशिश करिएगा कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में और लोगों को पता चले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट संडे।